हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें बीपीएससी टीआरई 2.0 की कट ऑफ के बारे में, यानी कि कट ऑफ नंबर को लेकर डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से निकाली गई शिक्षक भर्ती में अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, जैसे कि 1-5 के लिए, 6-8 के लिए, 9th और 10th के लिए, 11th एंड 12th के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए हेडमास्टर के लिए और समाज कल्याण के विद्यालयों के अंदर भी। लेकिन आप जानते हैं कि परीक्षा में बैठने से पहले आपका कोई टारगेट होना चाहिए कि आपको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर लेकर के आने हैं, और कितने नंबर का आपको जो पेपर है वो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आपका इसमें नौकरी मिलने का या चांस बनने की जो संभावनाएँ बनेगी। और इसको जानने के लिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए आपकी भर्ती का कट ऑफ। अगर मैं आपको एक जानकारी देना चाहूं, जो कि आप सभी के पास, लगभग सभी के पास होगी, जिनको नहीं है उनको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि आपकी जो मिनिमम कट ऑफ डाली गई है वो तो आप सभी के सामने इतनी है, यानी कि एक सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी, यानी कि वो जनरल से आता है, तो उसके पास 40% मिनिमम होने ही चाहिए परीक्षा के अंदर। अगर वो 40% नंबर नहीं लाते हैं तो वो इस भर्ती से सीधे तौर पर बाहर हो जाएंगे। अगर कोई यहाँ पे पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार है तो उसके पास में 36.5% होना चाहिए। इसी तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा के बारे में, तो उनके लिए 34% होना चाहिए, और महिलाओं के बारे में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में, उनके पास में 32% का न्यूनतम मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा जाता है। याद है, ये जो कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलता है ये मिनिमम कट ऑफ है। अगर आप इतना भी नहीं लाते हैं तो आप इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इतना लाते हैं तो आप क्वालिफाई तो कर जाएंगे, लेकिन नौकरी की गारंटी आप जानते हैं नहीं होती है। उसकी वजह भी आपको पता होनी चाहिए कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। चूँकि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे उतने ही नंबर आपके बढ़ने की संभावना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि मिनिमम आपको इतने परसेंट नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। अगर आप इतने भी नहीं लाते हैं तो आपको बाहर बैठना पड़ेगा। लेकिन आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, मान लीजिएगा आप 80-85% तक नंबर लेकर के आते हैं, तो आपके चयनित होने की जो परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो कम से कम आप सभी का जो टारगेट होना चाहिए, बेशक आपकी तैयारी कम हो, लेकिन आपका जो टारगेट है वो 85-90% के बीच का रहे कि मुझे इतने क्वेश्चन तो 100% सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बने। अगर आपके पास समय बचता है तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन पहले उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करें जो आप सभी को आते हैं और जो आपको लगता है कि पूरे तरीके से सही है। बाद में तो तुक्का चल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आप सभी का एक टारगेट 100% होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे उतनी ही आपकी प्रोबेबिलिटी होगी सिलेक्शन होने की। और मिनिमम को तो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन वो मिनिमम सिर्फ उसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए। आप जानते हैं कि आप उस मिनिमम के आधार पर नौकरी नहीं पा पाएंगे, खास तौर पर जनरल के अभ्यर्थी। जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनको शायद मौका मिल जाए, क्योंकि उनकी कैटेगरी के अंदर इतना कंपटीशन नहीं होगा जितना सामान्य वर्ग की में होगा। बाकी अगर आपके मन में डिटेल में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर का कट ऑफ बन सकता है, इसको लेकर परीक्षा से पहले एक वीडियो बना दिया जाएगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।